इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाना चाह रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके बड़े बड़े सरवायदार इनकी गोदी में बैठे हुए हैं। वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है कि सड़क पे निकला है, लोगों को मारने थोड़ी निकला है। तो अमित शाह जी, एक दिन आप एक ट्रक चला के देखो, दिल्ली से मुंबई तक जाओ, ये ड्राइवर को हगने मुतने को भी जगह नहीं मिलती। पूरा 25 करोड़ ड्राइवर समाज कह रहा है, इसीलिए तो 148 सांसदों को निकालने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। सांसदों को बाहर निकाला और फिर उसके बाद में कानून ले आए, ताकि कोई सदन में कोई बोलेगा ही नहीं। एक्सीडेंट रुके, डबल हो गया। आंकड़ा उठा के देखिए, एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर वहाँ खड़ा, उसको लोग छोड़ेंगे मारने के बगैर? ये भी गलत काम हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, सारे वर्दी वाले कर रहे हैं। पुलिस हमारे यहाँ की करप्ट नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते, इस कानून को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन हमारे यहाँ की वर्दी ही भ्रष्ट है। तमाम ड्राइवर जो हैं जंतर मंतर पे इकट्ठा हो गए हैं, एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके बाद तमाम सड़कों पे जाम लगा, बसें ट्रक सब स्थगित कर दी गई, और आज राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग के पास तमाम ड्राइवर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं। राठौर है, राठौर जी, यहाँ आप तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या दिक्कत है कानून से? अमित शाह ने कहा कि बहुत अच्छा कानून है, किसी की जिंदगी अगर जाती है तो उसको मुआवजा अच्छा मिल जाएगा, क्या समस्या है? नहीं, हमारा कहना ये है, किसी की जिंदगी पहली बात तो जानी नहीं चाहिए, जिंदगी सबकी अनमोल है, कीमती है, और जुर्माना मिल जाएगा तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता ना आपका प्रश्न। हमारी गाड़ी कमर्शियल है, हम 50,000-लाखों रुपए का बीमा कराते हैं, अगर कोई अकस्मात ऐसा होता है तो वो बीमा कंपनी किस लिए होती है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कुल मिला के अगर अमित शाह जी ये कहते हैं तो इन शब्दों में कहीं लगता नहीं है कि वो सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून ला रहे हैं कि ड्राइवर 10 लाख रुपए दे दे, 5 लाख रुपए दे दे, 10 साल की सजा ले ले, तो फिर हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? ये सोचने की बात है ना। अगर उनके अनुसार इंश्योरेंस कंपनी का पैसा बचाना चाह रही है सरकार? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाना चाह रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनके बड़े बड़े सरवायदार इनकी गोदी में बैठे हुए हैं। भाई, प्रश्न ये है कि पहले भी अगर कोई भी ड्राइवर घर से निकलता है, वो ड्राइवर जो टायर होता है ना गाड़ी का, वो एक सड़क पे गोबर पड़ा होता है ना, उससे भी बचाने की कोशिश करता है कि गोबर लग जाएगा तो मुझे ही धोना पड़ेगा। एक चींटी जो होती है ना, जो नजर भी नहीं आती, उससे भी बचाने की कोशिश करता है। वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है कि सड़क पे निकला है, लोगों को मारने थोड़ी निकला है। ये दुर्घटनाएं अकस्मात होती हैं। आपने रोडों पे देखा होगा, मोटरसाइकिल वाले, टू व्हीलर वाले, हाईवेज पे। प्रैक्टिकली मैं तो ये कहता हूँ, अमित शाह जी, एक दिन आप एक ट्रक चला के देखो, दिल्ली से मुंबई तक जाओ, तब आपको सारी समस्याओं का समस्या समझ में आ जाएंगी कि ड्राइवर को हगने मुतने को भी जगह नहीं मिलती। देसी भाषा में कहना चाह रहा हूँ, तो आपने तो आप तो मंत्री हैं, आपको तो कोई कमी है नहीं, भगवान का आप तो मोज कर रहे हैं, पर उस ड्राइवर से पूछा है उसकी समस्या क्या है? लोग बिना इंटीमेशन दिए मोटरसाइकिल लेके हाईवे पे घुस जाते हैं अचानक से, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है या कार है, सारा कुछ उसके ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये कानून कहाँ से सही है? फिर हमने इंश्योरेंस क्यों करा रहे हैं भाई, हम ये बताओ, हमारा प्रश्न ये है। तो ये जो आप लोगों ने अभी एकदम से सड़कों पे सारे आ गए, उसके बाद जो प्रोटेस्ट है, जो स्ट्राइक है, वो कॉल ऑफ ले लिया कि भाई सरकार की तरफ से कल ये निर्देश आया कि हम कानून हमने ड्राफ्ट कर लिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट हम विपक्ष से और जो संगठन है उनसे हम डिस्कस करके ही अप्लाई करेंगे। देखिए, पहली बात, जो भी बैठक हुई है वो बैठक हुई है ट्रांसपोर्टरों के बीच में, किसी ड्राइवर को नहीं बुलाया गया। अगर ना किसी ड्राइवर संगठन को बुलाया गया, आपने अपने ही लोगों को बुला के बिठा के और मीटिंग कर ली, उसको कोई इसका रिजल्ट नहीं है, हम उसको नहीं मानते। जब तक ये कानून वापिस नहीं होगा, आप सदन में जब पास करते हैं कोई कानून तो किसी को पूछते हैं? किसानों का कानून पास किया, उनको बुलाया था? हमारा कानून पास कर दिया, हमें बुलाया था, हमें पूछा था, कभी नहीं पूछते। कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष के जो सांसद थे उनको निलंबित भी कर दिया, ताकि आवाज ना उठा पाए, विरोध ना हो पाए। अरे, कुछ लोग नहीं कह रहे, ये तो पूरा 25 करोड़ ड्राइवर समाज कह रहा है, इसीलिए तो 148 सांसदों को निकालने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। उनको बाहर कर दिया धनखड़ जी का कहने पे कि वो मेरा जाट का वो हो गया। भाई, जाटों ने तो कभी नहीं कहा कि हमारा कोई वो अपमानित हो गए। तो ये सब प्लानिंग थी, पहले सांसदों को बाहर निकाला और फिर उसके बाद में कानून ले आए, ताकि कोई सदन में कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये दरअसल गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं कश्मीर से। कश्मीर से, जो तमाम अलग अलग राज्य हैं, सभी ड्राइवर को एक ही समस्या है या राज्य के हिसाब से समस्याएं बदल जाती?
एक ही समस्या सभी को है। ये जो कानून बना है, पहले तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जरूरत क्या थी इस चीज़ की? अब जरूरत है क्या हमें जो एक्सीडेंट वो रोकना है? क्या ऐसी चीज से रुक जाए? क्या आपको लग रहा है 2019 में इन्होंने अमेंडमेंट किया रूल कि जहां 500 जुर्माना था उसको 5000 कर गए कि हमें एक्सीडेंट रोका जाएगा? रुके, डबल हो गई। आंकड़ा उठा के देखिए, हालांकि उसमें कोविड भी था, बहुत ज्यादा होता कुछ। देखिए ये सब कुछ ड्राइवर पर थोप रहे कि भाई ड्राइवर के, मुझे पता क्या कोई चाहेगा कि मेरी गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाए? मानता हूं मैं, वो भी मानता हूं आपका कानून सही है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर वहां खड़ा, उसको लोग छोड़ेंगे मारने के बगैर? ये भी एक बड़ी समस्या देखी जा रही है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो 18,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाता है महीने का। कह दिया आपको, ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह 5,000 रुपए है, टैक्सी 15,000 लेता है ड्राइवर, 12,000 रुपए। ट्रक ड्राइवर किस पे काम करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, कभी उनकी लाइफ देखो सड़क पे निकल के। हमारे टैक्सी ड्राइवरों की लाइफ देखो, 24-24 घंटे सड़कों पे पड़े रहते हैं, क्या कमा के लगता है? इतनी गरीबी की हालत से गुजर रहा है ड्राइवर, तो सरकार क्यों थोप रही है ड्राइवर के ऊपर तमाम चीजें? पता है कि इनको आवाज कोई नहीं उठेगा, उनके अपने बंदे वो आके लाके उनको बता देंगे। कमजोरी तो यही है कि हम सब लोग एकता नहीं है, यही कमजोरी लगती है। अभी तो तमाम आप सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हो गए हो, एक हाँ आप उनको दिखाएंगे ना कि आप ड्राइवर लोग है कौन और एकता क्या है, यही चीज तो बताने के लिए हम सब यहाँ हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जितने प्रतिनिधि है सब आके पहुंचे इधर जंतर मंतर पे, इसीलिए कि भाई हमको दिखा रहे कि ताकत हमारी क्या है। आप तमाम लोग जो आए हो, आप कहाँ से आए हो? सर मैं भी दिल्ली से हूँ, अभी जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आए हुए लोग हैं, हर देश से आए हुए हमारे भाई हैं, पूरे देश से यहाँ पे आए हुए हैं। अब सरकार को पता चल जाएगा एकता ड्राइवरों में कितना है। अक्सर हाईवे पे देखा गया है कि उघाई भी चलती है, तो आपको लगता है इस तरह के कानूनों से उस चीज पे भी कुछ फर्क पड़ेगा जो उघाइयां चलती हैं, या फिर ड्राइवर पे ज्यादा थोप दी जाएगी? अभी उन्होंने कहा आपके साथी खड़े हुए थे कि लिंच की समस्या है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो जनता मार देगी, लिंचिंग कर देती है हमारी। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये यूं कहते हैं कि जी इसमें पुलिस वालों से उघाई बंद हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर उघाई और बढ़ जाएगी। पुलिस वाला चाहेगा जो मसला 1,000-2,000 रुपए में चोट और पट्टी करा के हो सकता था, वो उसके लाख रुपए मांगेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा पावर है, मैं जो चाहो उसके साथ कर लूंगी। अब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब आदमी है, इसको जिस तरह से डरा, अब उसका जो है हर जाना बढ़ गया है, जेल की सजा बढ़ गई है, इसलिए ज्यादा उगाई और गलत काम होंगे, सारे गलत काम होंगे। सर जितने भी गलत काम हमारे देश के अंदर हो रहे हैं सारे वर्दी वाले कर रहे हैं, और आज हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं इन्हीं वर्दी वालों की देन है जो हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर पुलिस हमारे यहाँ की करप्ट नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते, इस कानून को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन हमारे यहाँ की वर्दी ही भ्रष्ट है। देखिए तमाम जगह अलग अलग राज्यों से दिल्ली आ पहुंचे हैं ड्राइवर, कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होता तब तक निरंतर इसका बहिष्कार करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। इस तमाम चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।